नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज सीखेंगे डबल फ्रिल वाली लटकन बनाना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह देखिए, हमने कपड़ा कट कर लिया है। तो देखिए, जो हम लटकन बनाएंगे वो नेट के कपड़े पर है। तो आप इसे अगर बनाना चाहते हैं तो सिंपल कपड़े पर भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने पट्टी कट कर ली है। तो देखिए, ये जो लटकन बनाएंगे डबल फ्रिल की बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो कलर से कपड़ा लिया है, दोनों नेट का ही लिया है। तो देखिए, एक गोल्डन और एक पिंक लिया है। तो जो पिंक वाली पट्टी ली है तो 1.5 इंच चौड़ी ली है, और देखिए जो गोल्डन वाली पट्टी ली है उसकी चौड़ाई 3 इंच ली है, और दोनों की लंबाई सेम ही ली है। अब देखिए, इस तरह मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देना है। इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। अब देखिए, इस पर छोटी छोटी चुनर देते हुए इसे बना लेंगे। इस तरह देखिए इसे बना लिया है। तो देखिए, जो गोल्डन वाली पट्टी ली है तो सेम तरीके से उस पर भी बना लेना है। अब देखिए, इस तरह मोड़ते हुए सिलाइयां लगा देना है। भी देखिए छोटी छोटी चुनर देते हुए इसे भी बनाना है। तो इस तरह देखिए इसे भी बना लिया है। अब देखिए, जो पिंक वाली पट्टी पर इस तरह चुनरी बनाई है तो इसको इस तरह रखते हुए इस पर सिलाई लगा देना है। इस तरह बिल्कुल बराबर से इसको मिलाते हुए इस पर सिलाइयां लगा देना है। इस तरह देखिए डबल फ्रिल बन के तैयार है। तो यहाँ पर अब देखिए लटकन बना लेंगे। तो इस तरह देखिए, हमने यहाँ पर 3.5 इंच का चौकोर कपड़ा कट करके लिया है। अब देखिए, इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इस तरह रखते हुए इस पर सिलाई लगा देना है। इस तरह देखिए, हमने गोल्डन डोरी ली है, तो आप डोरी बनाकर भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने रेडीमेड डोरियाँ ली है। अब देखिए, इस तरह इसको रख लेना है, और इस तरह से इस पर मोड़ते हुए सिलाई लगाना है। तो सिलाई बिल्कुल तिरछा लगाएंगे। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगाने के बाद जो ज़्यादा कपड़ा आएगा उसे कट कर देना है। तो कट करने के बाद इस तरह से इसको पलट लेना है। इस तरह देखिए, पलटने के बाद ये लटकन आएगी। तो इस तरह देखिए, डबल फ्रिल की लटकन बनके तैयार है। तो इसी तरह से देखिए, हमने दूसरी भी तैयार कर ली है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।